चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे बीज मंत्र के, जिसके जाप से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है और लक्ष्मी जी की कृपा भी आप पर बरस सकती है। पंडित जी, हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी जी की कृपा उन पर बरसे, और बीज मंत्र आप बता रहे हैं कि हर बीज मंत्र का अपना अपना एक औचित्य है और उपाय भी है, तो इस बीज मंत्र को कैसे किया जाना चाहिए? देखिए, माँ लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है ना, वो है श्रीम। कई बार हमने कार्यक्रम में बताया है कि जो लोग श्रीम बीज मंत्र का 12 लाख जप कर लेते हैं, उनके हृदय में साक्षात महालक्ष्मी निवास करने लगती हैं। और ये बीज मंत्र यदि श्वास पर जप कर लिया जाए, श्री सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाया जाए और मां सोचते हुए श्वास को बाहर निकाला जाए, इस तरह से अगर 1000 बीज मंत्र का 10 माला रोज जप किया जाए और 3.5 साल तक ये जप किया जाए, तो ऐसा व्यक्ति मां महालक्ष्मी का कृपा पात्र बन जाता है। श्रीम में स का अर्थ है महालक्ष्मी, र का अर्थ है धन संपत्ति, ई का अर्थ है महामाया, नाद का अर्थ है विश्वमाता, बिंदु का अर्थ है दुख को हरने वाली माँ लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है। ऐसे में वह एक स्थान में ज़्यादा समय के लिए टिकाऊ नहीं रहती हैं। घर में धन संपत्ति की वृद्धि के लिए श्रीम बीज मंत्र से माँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। इस बीज मंत्र के जप से समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। श्रीम बीज मंत्र के जप से निवेश में लाभ मिलता है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। तो मैं कहना ये चाहूँगा, जो लोग धनाभाव से गुजर रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है, उन्हें चाहिए कि यथासंभव अगर आप श्वास पर नहीं जप कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप मुँह से ही बोलिए श्रीम 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 श्रीम। यदि मन में चाहे जितना आपके गंदा विचार कहीं से आ रहा हो, चाहे आपका मन कितना भी भटक रहा हो, लेकिन इसको करते रहिए। एक दिन इसकी शक्ति से आपके मन के जितने अशुद्ध विचार हैं वो सब जल करके राख हो जाएंगे, शेष बचेगा श्रीम। ये मंत्र जप करने से दरिद्रता सद्यह दूर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और संपन्नता प्राप्त होती है। और किसी के नाम के सामने श्रीमान तब लगता है जब वो लक्ष्मी से युक्त होता है, श्रीमती तब लगता है जब वो लक्ष्मी से युक्त होती है। तो ऐसे में अगर आपको भी श्रीमान और श्रीमती बनना है तो श्रीम बीज मंत्र का अनुसरण कीजिए। जय माँ विंध्यवासिनी।